पूरी महाघाड़ी जानबूझकर देवेंद्र जी को बदनाम कर रही है, जानबूझकर टारगेट कर रही है, ये बात तो सभी जानते हैं। मोदी जी के बारे में जो बातें कर रहे हैं सिंगल टोन में, देवेंद्र जी के बारे में इतनी गंदी बातें कर रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये ठीक नहीं है। हमारे साथ है महाराष्ट्र के ग्राम विकास मंत्री और बीजेपी नेता गिरीश महाजन। महाजन साहब, आज इस तरह से उद्धव ठाकरे ने स्पीच दी और उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को लेकर काफी गुस्से में बातें की, कहा कि या तो देवेंद्र फडणवीस रहेंगे या तो वो रहेंगे। नहीं, मुझे ऐसे लगता है आज की बातें उद्धव जी की सुनकर कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आज सिंगल टोन में देवेंद्र जी को लेकर एक तो ये रहेगा, ये तो मैं रहूंगा, ऐसी बातें कौन करता है? पर क्यों कर रहे हो भाई? अनिल देशमुख, इन्होंने कहा कि भाई देवेंद्र जी ने मेरे ऊपर वैसे प्रेशर लाया था कि बस इनको कुछ तो भी इनके खिलाफ बयानबाजी करो, इनके लड़के के खिलाफ बयानबाजी करो। लेकिन अनिल देशमुख ये कितना भरोसेमंद आदमी है, उस पर कितना भरोसा करना चाहिए, ये भी तो सोचने वाली बात है। जब 2.5 साल उनकी सरकार थी, अनिल देशमुख गृहमंत्री थे, तब उन्होंने हमारे साथ क्या किया, मेरे खुद के साथ उन्होंने क्या किया, देवेंद्र जी के साथ में उन्होंने क्या षड्यंत्र किया, उसका तो पूरा पेन ड्राइव है ना, आंखों देखा हाल है। पूरा पुलिस अफसर स्पेशल पीपी क्या बोल रहे, क्या बात कर रहे, ये तो पूरा सामने है लेखा जोखा। लेकिन अभी 3 साल बाद में उनको ऐसे मतलब ये बातें, ऐसी बेहुदा बातें अनिल देशमुख कर रहे हैं और उनके बातों को लेकर मेरे घर तक आकर पहुंचे, मेरे खिलाफ आकर पहुंचे हैं, तो मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। सिंगल टोन में एकदम निचली भाषा में देवेंद्र जी के लिए बात कर रहे हैं, मोदी जी के बारे में सिंगल टोन में बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है ये निराशा में से उद्धव जी आप बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। लेकिन आजकल मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि चुनाव सामने है, देवेंद्र फडणवीस इनको ही टारगेट किया जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? जानबूझकर मुझे ऐसे लगता है पूरी महाघाड़ी हो, देखो आप, पूरी महाघाड़ी जानबूझकर देवेंद्र जी को बदनाम कर रही है, जानबूझकर टारगेट कर रही है, ये बात तो सभी जानते हैं। लेकिन क्या फर्क पड़ने वाला है? देवेंद्र जी के बारे में पूरी जनता जानती है, पूरा महाराष्ट्र जानता है। मोदी जी के बारे में आप कटोरा लेके आएगा, भीख मांगेगा, सिंगल टोन में बात करते हो, शर्म आ रही है आपको? क्या बोल रहे हैं आप? शर्म आनी चाहिए आपको मोदी जी के बारे में आप ऐसे कह रहे हो। 10 साल जिन्होंने देश को कहाँ ले जाकर रखा है, आज कितना आगे देश बढ़ रहा है, कितने हम लोग तरक्की कर रहे हैं। इतने समय तक 2.5 साल पहले तक 4 साल पहले उनकी तारीफ कर रहे थे और आज उनके बारे में इतना गंदी बातें करते हो, तो मुझे वही कहना है कि इस तरह की बातें करके खुद उद्धव जी कितने निचले स्तर पर गिर रहे हैं, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। कि महाराष्ट्र में चुनाव है, नरेंद्र मोदी के पसीने बहाए जाएंगे और नरेंद्र मोदी को उनकी जगह भी दिखा देंगे। नहीं भाई, जगह तो जनता बताएगी, आप क्या बताओगे? अभी आपको मालूम पड़ेगा, थोड़ा सा 2-4 जगह ज्यादा क्या नहीं आ गए तो इतना हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन नीचे आने के लिए टाइम नहीं लगता, समय नहीं लगता है। अभी विधानसभा में जनता आपको बताएगी, मतदाता आपको बताएंगे, लेकिन इतना हवा में मत उड़ो। अपने को जितना मतलब अपनी ताकत है उतनी बातें करो, मुझे ऐसे लगता है। मोदी जी के बारे में जो बातें कर रहे हैं सिंगल टोन में, देवेंद्र जी के बारे में इतनी गंदी बातें कर रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये ठीक नहीं है। ये कोई मतलब राजनीति हम हमारे जगह करते रहेंगे, लेकिन इस तरह की बातें करके जो महाराष्ट्र की एक सभ्यता है उसको खराब करने का काम उद्धव जी कर रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है। गिरीश महाजन जो साफ तौर पर कह रहे कि उद्धव ठाकरे को ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना देवेंद्र फडणवीस के बारे में निचली स्तर पर जाकर बात करनी चाहिए, अगर कौन राजनीति में टिकेगा या नहीं टिकेगा इसका फैसला जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में करेगी। सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।